नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। कि वो देशद्रोही हैं, वो चीन के एजेंट हैं और माओवादी हैं। तो जब सरकार को ये काम करना चाहिए था कि वो जोशीमठ के जो दरकते घर हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको पुनर्वास के लिए एक लगातार काम करना चाहिए था। तो उस बीच में प्रदेश सरकार में जो अभी भाजपा की सरकार है उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि जनता के ऊपर इस तरीके का लालछन वो लगा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये बहुत शर्मनाक बयान है ऐसी जनता के प्रति जो सदियों से देश के सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को भेज रही है सीमा पर, उनको आज देशद्रोही कहा जा रहा है जब वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये शर्मनाक बयान है जिसका हमने प्रोटेस्ट किया है कि वो देशद्रोही हैं, वो चीन के एजेंट हैं और माओवादी हैं। तो जब सरकार को ये काम करना चाहिए था कि वो जोशीमठ के जो दरकते घर हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको पुनर्वास के लिए एक लगातार काम करना चाहिए था। तो उस बीच में प्रदेश सरकार में जो अभी भाजपा की सरकार है उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि जनता के ऊपर इस तरीके का लालछन वो लगा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये बहुत शर्मनाक बयान है ऐसी जनता के प्रति जो सदियों से देश के सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को भेज रही है सीमा पर, उनको आज देशद्रोही कहा जा रहा है जब वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये शर्मनाक बयान है जिसका हमने प्रोटेस्ट किया। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।